डांस रियलिटी शो डांस दीवानी सीजन 4 के विनर का ऐलान कर दिया गया है। इसके विनर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और ऐसे में आखिर वो घड़ी आ ही गई जब शो के चौथे सीजन को उसका विनर मिल गया। शो में टॉप 6 जोड़ियां फाइनल में पहुंची थी। इन सब के बीच कॉन्टेस्टेंट गौरव नितिन ने बाजी मार ली। शो को माधुरी दीक्षित और सुनील शेट्टी जज कर रहे थे। ऐसे में अब इस रियलिटी शो को इसके विनर मिल गए हैं। विनर्स ने ट्रॉफी जीती, साथ ही भारी भरकम इनाम भी जीता और आगे के प्लान्स भी बताए। आपको बता दें, डांस दीवाने 4 करीब 3.5 महीने तक चला और लोगों को खूब एंटरटेन किया। वहीं गौरव नितिन ने ट्रॉफी जीती और इसी के साथ 20 लाख की धनराशि जीती। गौरव और नितिन दोनों को ही अलग अलग डांस फॉर्म में महारत हासिल है। दोनों जब साथ आए तो उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस कर डाला। गौरव और नितिन के साथ अगर शो के बाकी कॉन्टेस्टेंट्स की बात की जाए तो इसमें युवराज और युवांश, चिराश्री और चैनवी, श्रीरंग और वर्षा, दिव्यांश और हर्ष, काश्वी और तरनजोत का नाम शामिल है जो कि शो के फिनाले तक पहुंचे थे। ऐसे में अंत में विनर तो एक ही होता है और ट्रॉफी जीत ली गौरव और नितिन ने। गौरव 22 साल के हैं और दिल्ली से हैं, वहीं नितिन 19 साल के हैं और बेंगलुरु से हैं। नितिन और गौरव ने डांस दीवाने के लिए अलग अलग ऑडिशन दिए थे लेकिन बाद में एक साथ परफॉर्म करते दिखे, जिसके बाद उन्होंने अपने स्किल से दर्शकों का खूब दिल जीता। वहीं गौरव और नितिन शो जीतने के बाद बहुत खुश है। दोनों ने प्राइज मनी को आधा आधा बांट लिया है। वहीं दोनों ने बताया कि आखिर इस धनराशि का वो क्या करेंगे। बात करें नितिन की तो इसको लेकर नितिन ने कहा वो जीती हुई रकम अपने पेरेंट्स को देंगे, इसके अलावा कुछ पैसे चैरिटी में दान करेंगे। इसी के साथ गौरव ने भी इन पैसों को लेकर बात की और कहा उनके अलग ख्वाब है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाएंगे। उनके पिता ने उन्हें प्रमोट करने के लिए लोन लिया, वो उसे चुकता करेंगे। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपके इस बारे में कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।